नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कर्म करो और भाग्य बदलो। जी हाँ, आपने किसी ज्योतिष को जन्म पत्री दिखाई, उन्होंने बताया कि आपके ग्रह बहुत खराब हैं, राहु 8वें घर में है, साथ में बुध बैठे हैं, तो आपकी जान को खतरा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ उपाय बता दिए कि ये दाल दान कर देना, ये इस प्रकार मछली को दाना डाल देना। तो ये क्या था? ये थे कर्म। उन्होंने आपके कर्मों को दिशा दी। इन कर्म की दिशा से हमारा भाग्य बदलता है। यानी यदि आप गरीबों की सेवा करते हैं, कीड़े मकोड़ों को आप आटा चीनी डालते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बदलता है, क्योंकि उन कर्मों का फल जहां आपको अगले जन्म में मिलना है, वहीं इस जन्म में भी मिलता है। आज बच्चे इसी बात को भ्रमित हैं कि कर्म करने का फायदा क्या है, पाठ पूजा करने का फायदा क्या है, फल तो अगले जन्म में मिलना है। नहीं, फल इसी जन्म में मिलना है, अगले जन्म में उसका प्रभाव मिलना है। यदि आपने इस जन्म में बहुत अच्छा जीवन यापन किया है, तो अगले जन्म में आप बहुत अच्छे घर में पैदा होंगे, जहां सुख सुविधाएं आपको बहुत मिलेंगी। जो ये आप देखते हो, इतने बड़े स्टार्स होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली है, तो ये पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके देवता योनि भोग कर धरती पर आते हैं। तो जब आप बहुत अच्छे ढंग से जीवन यापन करेंगे, दान पुण्य पाठ पूजा सब करेंगे, तो अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा। परंतु इस जन्म में यदि आप पिछले जन्म में अच्छे कार्य नहीं करके आए, तब भी सुख मिलने लगेगा। जो दुख है वो मीठे हो जाएंगे, जो कष्ट है वो हट जाएंगे, उनका समय कम हो जाएगा। तो अच्छे कर्म करने से हमारा भाग्य बदलता है। दान पुण्य कीजिए, जीव जंतुओं की रक्षा कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, ये सब करने से हमारा भाग्य बदलता है। मेरे पास भी लोग जब जन्म पत्री लेकर आते हैं, तो मैं बताता हूं। वैसे तो मैं ऑनलाइन ही देखता हूं कि भाई कैसे योग बदलेंगे आपके। तो वो दान पुण्य करने से आपको लाभ मिलता है, क्योंकि जब आप दान पुण्य करते हैं, जब आप लोगों का भला करते हैं, तो आपके भाग्य उदय होते हैं, आपको लाभ मिलता है, आपको सुख मिलता है, आपके भाग्य में जो दुख है वो मीठे होने लगते हैं, आपको दुख को सहने की शक्ति मिलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम कर्म करें तो हमें अच्छा फल मिलता है, हमारा भाग्य निश्चित रूप से बदलता है। यदि आप जन्मपत्री दिखाकर जान लें कि आपके ग्रह कौन से खराब हैं और उनके अनुसार आप कर्म करें, तो आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आप मुझे इजाजत दीजिए। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। जन्मपत्री देखने की फीस होती है, वह फीस हम गरीबों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेंशन देते हैं, गरीबों को बहुत कुछ बांटते हैं, उनके मुश्किल समय में हम साथ खड़े हो जाते हैं। तो अब यहाँ इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।